हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से ब्लू टोन इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो गाइस, मैं 110% लिख कर देता हूँ। आप अगर से वीडियो के अंदर तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप लोग भी कुछ इस टाइप की फ़ोटो को एडिट कर पाएंगे। तो गाइस, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और इसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो गाइस, चलिए हम बिना देरी के अपने वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। गाइस, तो मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद गाइस, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद गाइस, नीचे साइड में आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको अपना फोटो गैलरी से सेलेक्ट कर लेना। जब तक गाइस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, आप अपने फ़ोटो पे क्लिक करके ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस, आपको फ़ोटो जो है लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। गाइस, ऊपर ऑल फोटोज से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, अपने फ़ोटो पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस, आपका फ़ोटो कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। इसके बाद गाइस, आपको साइड में आपको कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है 7% और टेंट की वैल्यू को आपको इंक्रीज कर देना है गाइस, आपको 9%। इसके बाद गाइस, आपको वाइब्रेंस की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है 26%। इतना करने के बाद गाइस, ऊपर साइड में आपको कलर मिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको कलर मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ढेर सारा कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ढेर सारा कलर का ऑप्शन मिलने के बाद सबसे पहले ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस, आपको ह्यू की वैल्यू को डिक्रीज करके -100 करना है और सेचुरेशन की वैल्यू को आपको इंक्रीज करके 62% कर देना है और ल्यूमिनेंस की वैल्यू को 73% इंक्रीज कर देना है। इसके बाद गाइस, येलो वाले कलर पे क्लिक करके ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करना है 85% और ह्यू की वैल्यू को आपको 75% और सेचुरेशन को 80% रख लेना है। इसके बाद गाइस, ल्यूमिनेंस की वैल्यू को आपको इंक्रीज करके 82% रख लेना है। इतना करने के बाद गाइस, आपको कलर ऑरेंज कलर पे क्लिक करना है। सेचुरेशन की वैल्यू को आपको डिक्रीज करना है 33% और ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है गाइस, आपको 58%। इतना करने के बाद गाइस, आपको रेड वाले कलर पे क्लिक करना है और ह्यू के वैल्यू को डिक्रीज करना है 60 और सेचुरेशन को वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है 39%। इतना करने के बाद गाइस, ऊपर कॉर्नर में आपको डन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, अब मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद गाइस, आपको अब बिफोर एंड आफ्टर हमारी फ़ोटो को देख सकते हैं। तो गाइस, बिना स्किप किए आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आप लोग भी कुछ इस टाइप से फोटो एडिट कर सकें। गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको मास्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको मास्किंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस, जैसे ही आप मास्किंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक प्लस का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर से चौथे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा कलर रेंज का। सिंपली आपको कलर रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, एक बड़ा सा सर्कल आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली इसको ऊपर साइड में गाइस स्काई में ले जाकर सेट करना है। स्काई में सेट करने के बाद गाइस, आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली गाइस, यहां अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर साइड में सेकेंड वाले ऑप्शन पे गाइस कलर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको दो कलर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली नीचे वाले ऑप्शन पे आपको एक छोटा सा सर्कल दिखाई देगा। सिंपली आपको गाइस, जिस सर्कल को जहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ, आप उस पॉइंट पर सेट कर दीजिएगा। गाइस, आप देख सकते हैं हमारे स्काई में ब्लूटोन इफेक्ट आ चुका है और सेचुरेशन को गाइस इंक्रीज करना है 90%। इतना करने के बाद गाइस, आपका स्काई भी ब्लू हो जाएगा। इतना करने के बाद गाइस, ऊपर सही ऑप्शन मिलेगा। सिंपली राइट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, अब मेरे फोटो में देख सकते हैं ब्लू इफेक्ट आ चुका है मेरे स्काई में।
तो गाइस इतना करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद गाइस आपको थर्ड स्टेप में इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस जैसे ही इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले क्लैरिटी को इंक्रीज करना होगा। क्लैरिटी को इंक्रीज करके 13% रख लेंगे और गाइस मैग्नेटिक वैल्यू को आपको डिक्रीज करना है, -17% रख लेना है। इसके बाद गाइस फेदर का वैल्यू इंक्रीज करके 70% रख लेना गाइस। तो मेरा इसके बाद गाइस हाईलाइट की वैल्यू को 60% रख लेना है और गाइस मेरा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस लास्ट स्टेप बचा है, बस अब वीडियो की लास्ट तक देख लीजिएगा गाइस। सब लास्ट फोर्थ स्टेप में आप डिटेल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। गाइस डिटेल्स वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे फर्स्ट नंबर शार्पनिंग की वैल्यू को आपको इंक्रीज करके 2% रख लेना है। गाइस 2% करने के बाद गाइस नीचे की सेटिंग में बताने वाला हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है 100%। इसके बाद गाइस मैस्किंग पहलू का वो 15% और गाइस मेरा डिटेल्स वाला आइकन स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब फोटो को शेयर करने के लिए आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस शेयर टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस यह फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाए। तो और इसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।